मोमिता देवना ये एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर थी जिसको जो पढ़ी लिखी होके भी वो बच नहीं पाई, उसके इंसाफ के लिए उसको उसके जस्टिस दिलाने के लिए हम ये सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। और डॉक्टर मोमिता को जिस तरह से जिस बर्बरता से मारा गया उनको, हम औरतें कहाँ सेफ है? हिंदुस्तान आजाद हुआ लेकिन हम औरतें आज इस आजाद देश में आजाद नहीं। ये कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है हिंदुस्तान में कि जिस वक्त अगर उसके साथ बर्बरता होती है मेडिकल में, अगर वो बंदा आ जाता है कि यही बंदा क्लेम हो जाता है कि यही बंदा रेपिस्ट है तो उसे उसी वक्त फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई जाती है? उनको हार पिना के क्यों बरी कर दिया जाता है? कितने बार ये हो चुका है, कितनी लड़कियां इसकी शिकार हो चुकी हैं। 100 लड़कियां आप ही लोगों के मीडिया के बताने के मुताबिक 100 औरतें रोज रोज पर डे रेप होती हैं, बलात्कार का शिकार होती हैं। तो आप लोग खुद एक मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाएं और हमारा इसमें सपोर्ट करें कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को इस पे काम करना ही पड़े हर हालत में। वो औकाफ का बिल लाते हैं, वो हर चीज का GST का बिल लाते हैं, हम पर महंगाई का बिल लाते हैं, तो ये कानून क्यों नहीं ला रहे? आखिर ये कानून यहाँ पे हिंदुस्तान में क्यों नहीं ला रहे हैं कि रेपिस्ट को रेपिस्ट को फांसी दी जाए? जी तो ये बोलने की बात है, एक तरफ हमारे वजीर आजम बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देते हैं और एक तरफ बेटी को पढ़ाया तो जाता है लेकिन उनकी बेटी बची नहीं। जिस माँ बाप की बेटी आज मोमिता बनर्जी जिस हालत में पाई गई उसके माँ बाप से जाके पूछिए कि उनके दिल पे क्या गुजरा होगा। आज मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे भी खौफ लगता है मेरी बेटी को बाहर भेजने, मुझे भी डर लगता है जब तक मेरी बेटी घर तक आ नहीं जाती है। तो आप बताइए कि एक डॉक्टर जैसी जो जान बचाने वाली लेडी उसके साथ ये दुष्कर्म हो सकता है तो हम क्या चीज हैं? सरकार से हमारी यही अपील है कि अगर दोषी पाया जाता है बंदा उसी वक्त उसको या तो फांसी दे या तो उसी वक्त उसको गोली मार के तुरंत खत्म किया जाए या पब्लिक के हाथ में दे, पब्लिक के हाथ में आप दे दे पब्लिक के सामने ऑन द स्पॉट। आप चीन में देखिए, चीन में अगर उसका मेडिकल होता है बलात्कारी का तो अगर पाया जाता है दोषी तो उसे तुरंत 5 मिनट में उसे तुरंत उसे गोल बंदूक से उसको खत्म कर सजा दे देंगे तुरंत। जी संविधान से चलता है, आप अगर जानते होंगे तो इन लोग संविधान बदलने की भी बात करते हैं, संविधान बदलने की भी बात करते हैं तो क्या अपनी देश की बेटी के लिए एक कानून नहीं ला सकते? एक कानून तो ला सकते हैं ना अपनी देश की बेटी के लिए, संविधान कानून ला सकते हैं ना, बनाते हैं तो बेटी बचाओ क्यों नहीं होता? बेटी बचाओ का नारा लगाते हो, नारा लगाया जाता है बेटी बचाओ उनकी सेफ्टी के लिए, हम कैसे सेफ रहे? एक मेडिकल कॉलेज की जान कैसे सेफ हो जाएगी? कितने टुकड़े नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पब्लिक के हवाले कर देना है और पब्लिक के हवाले कर देना है। मैं यही कहना चाहूंगी काफी तो नहीं है लेकिन उनको पब्लिक के हवाले करना चाहिए,
उनको मौत होनी चाहिए। बिल्किस बानो की तरह आजाद ना करें, हमने बिल्किस बानो से भी वो बच्ची तो कैसे फिर एक एक पल वो बच्ची तड़पी है, उनको वक्त मिल जाए तड़प कर उनको भी मौत देना चाहिए। ये संविधान बनाना चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए। मेरा बोलना ये है, जैसे मणिपुर में हुआ, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, हर जगह पे बेटियों के साथ हो रहा है। सरकार बोलती है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी को हम पढ़ा के बचाएंगे? जब इतनी पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर जो उसके साथ इतने लोग मिलकर बलात्कार किए, उसके एक एक पार्ट्स काट के डाल दिए, तो सोचो हम लोग जैसे आम लोगों का क्या होगा। ये देश है ना, बहुत गलत उस पर चल रहा है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए कड़ी से कड़ी सख्त कदम उठाए, और हम लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए या तो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। और जैसे सरकार बोल रही है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो संविधान में तो ऐसा कुछ नहीं है, ये संविधान ही बदलने के लिए ये सरकार लागू है, तो कौन सा संविधान ला रहे? ये ला रहे कि लड़कियों का रेप करें, हम लोग सेफ है क्या यहाँ पे, बताइए आप लोग? हम लेडीजों की सेफ्टी चाहते, हमको ऐसा कानून चाहिए कि हमको औरतों की सेफ्टी चाहिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए आज यहाँ कोई सेफ नहीं है। औरत, बूढ़ी, बच्ची, 3 साल की लड़की के साथ भी बहुत दर्दनाक हादसा गुजरा था, उसके बाद भी इतने दरिंदगी के साथ बहुत सी लड़कियों के साथ ये हादसा हो चुका है, फिर भी हमारे यहाँ देश में कानून क्यों नहीं बदला जाता है? ऐसा कानून क्यों नहीं लाया जाता है कि उस इंसान को तुरंत के तुरंत मौत दे दी जाए, ताकि दूसरों का दिल और ना बढ़े। इसलिए मेरी है ना, इस सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिए, कानून से ध्यान दीजिए, मीडिया के जरिए आप लोगों तक के मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग कानून बदलिए और बेटियों के लिए ऐसा संविधान लाइए कि हम सेफ रहे। तरह लाड़की बहन योजना लाए है सरकार ने, पैसे देने से अच्छा तो लाड़की बहन सुरक्षा योजना लाना चाहिए। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि लाड़की बहन योजना बंद करके और लाड़की सुरक्षित योजना आप लाइए तो बहुत बेहतर होगा हम और औरतों के लिए। मेरे साथ इंडियन लीडर एनजीओ से भी लोग आए हुए हैं। बोलिए, हां बोलो। लाड़की बहन 3,000 रुपए देके औरतों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और उनकी इज्जत से खेलकर जिंदगी भर के लिए उनको। आज हम लोग किसी भी पार्टी की तरफ से यहाँ जमा नहीं हुए है, हम हमारे एनजीओ की तरफ से यहाँ पे जमा हुए और एक बहन के लिए आज हम यहाँ आके खड़े हैं सब लोग, क्योंकि आज उसकी जो हालत थी, कहीं ना कहीं वो आने वाले दिनों में कोई और भी लड़की हो सकती है। तो हमें ये चाहिए कि कानून कुछ ना कुछ करे और उस दरिंदे को इतनी कड़ी सजा दे के करने वाला आगे जो भी हो वो 10 बार नहीं 1,000 बार सोचे।